नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमरपाल। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी के बर्खास्ती के विरोध में शुक्रवार को चमोली जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस के सभी संगठनों ने प्रदर्शन कर चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के तिराहे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया है। और चमोली कांग्रेस कमेटी के ही आह्वान पर चमोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस NSUI महिला कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्ती का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और साथ ही गोपेश्वर बस स्टेशन के तिराहे पर ही CM और प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया। और इस मौके पर ही कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के वर्तमान में जो हालात बने हैं वो तो सरकार से संभव नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सरकार से संभल नहीं पा रहे हैं, उल्टा ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए विरोधी पक्ष के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का और धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से आप देखिए कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस प्रकार से रंजनी भंडारी को जिला पंचायत पद से हटाया गया है, पूरी जांच इससे पूर्व भी जो IAS अधिकारी द्वारा जो जांच की गई उसमें क्लीन चिट मिली है। और इसके उसके बावजूद भी देखिए सरकार अपनी तानाशाही से अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुतला फूका महेंद्र भट्ट और धामी सरकार का पुतला फूका, जैसे आप सब जनपद चमोली की जो जिला पंचायत अध्यक्ष है रजनी भंडारी को जिस ढंग से उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये महिलाओं का अपमान है। यदि जो है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी, यदि गलत हुआ तो 2012 से आप कहाँ सोए हुए, जब कोर्ट ने आपको कुछ आदेश किया आप कहाँ सोए हुए, इसका मतलब आप ये चाहते थे कि रजनी भंडारी और राजू भंडारी भाजपा में जो है शामिल हो जाए। जब उनको ये काम पूरा नहीं हुआ, उन्होंने रजनी भंडारी के ऊपर में झूठे आरोप लगा करके उनसे पद से हटाया गया। ये बीजेपी की सरकार की जो है विरोधी नीति के कारण होता है। यहाँ पे जो है एक महिला जनप्रतिनिधि चुन के आती है और इन्होंने जो है गलत ढंग से जो है रजनी भंडारी को जो है पद से हटाया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका हमने इसी विरोध में जो है कि इन्होंने जो है हमारे जिला अध्यक्ष को एक महिला का अपमान किया है और महिलाओं का सम्मान इनको आता ही नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा पूरे देश में दे रही है, आपने देखा होगा कि 25 तारीख को शाम को रजनी भंडारी जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक महिला है, उनको तत्कालीन बिना कारण बताए नोटिस उनको हटाए जाने का जो खबर जो चलती है, उसी के साथ इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। शायद लगता है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपनी हार अभी तक पता नहीं पा रहे हैं। सनातन परंपरा के ग्रंथों और साधु संतों पर देश में कुछ लोगों द्वारा ही आपत्तिजनक टिप्पणियों की जा रही है, जिससे सनातन परंपरा से जुड़े लोगों की भावना आहत हो रही है। और इसी को देखते हुए सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के 13 अखाड़ों में प्रमुख निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडेश्वर कैलाशानंद गिरी ने ही निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संतों के लिए फरमान जारी किया है कि अखाड़े के किसी भी साधु का ग्रस्त जीवन से रिश्ता ना रहे, अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं पठान मूवी विरोध के बाद भी स्वच्छता को लेकर भी बात की गई है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि फिल्म की मान्यता जरूरत बढ़ रही है और मगर इससे धर्म घट रहा है, इसलिए सेंसर बोर्ड में धर्माचार्य का होना जरूरी है। और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि सन्यासियों का परम धर्म राष्ट्र धर्म है। सन्यास परंपरा में आने के बाद घर परिवार से कोई नाता नहीं रह जाता और निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडेश्वर होने के नाते अखाड़े के सभी साधु संतों को मेरा आदेश है कि अपने घर से हमारा कोई नाता ना ही रहेगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन सन्यासी की तरह बिताएंगे। इनका कहना है कि ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा है, कई साधु संत सन्यास जीवन में आने के बाद भी अपने परिवार से नाता
रखते हैं और इस आदेश का अखाड़े से जुड़े सभी साधु संतों को पालना करना होगा। सन्यासियों का जो परम धर्म है, सन्यासियों का जो कर्तव्य है, वो राष्ट्र धर्म है और सन्यासी कदापि अपने घर से संबंध न रखे। हमारे जो निरंजनी अखाड़े के जितने भी महात्मा हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आचार्य होने के नाते आदेश भी रहेगा, क्योंकि मैं उनका गुरु हूँ, तो आदेश भी रहेगा कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में घर से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, जिस तरह से फरमान जारी हुआ है साधु संतों के लिए, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, संतों के 13 अखाड़ों के सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलासानंद गिरी के द्वारा कहा गया है कि जो भी सन्यासी हैं और जो भी संसार की मोह माया को छोड़कर परमात्मा से जुड़ते हैं और सन्यास लेते हैं और अखाड़ों में आ जाते हैं, तो उनका किसी भी तरीके से अपने परिवार या परिवार के लोगों से किसी तरह का कोई जो तालमेल है या रहन सहन या आना जाना है वो नहीं रहेगा। क्योंकि साफ तौर पर देखा जाएगा कि कई संत ऐसे भी देखे जाते हैं जो संत समाज में आ जाने के बाद वो अपने परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ना करते, इसके बाद तमाम जो परेशानियों का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोई निजी लाभ पहुंचाने के लिए भी इस तरह की कई चीजें सामने आती है। तो उसी को लेकर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलासानंद ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि कोई ऐसा सन्यासी यहाँ पर मिलता है कि जिसका सन्यास लेने के बाद अखाड़ों में आ जाने के बाद अपने परिवार से संपर्क होता है या फिर किसी तरह का कोई तालमेल देखा जाता है, उसको तुरंत ही अखाड़ा से बाहर कर दिया जाएगा और संत समाज से उसको निष्कासित किया जाएगा। जी इंतजार, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बातें भी हो रही हैं, तो इसको लेकर विरोध तो नहीं देखने को मिल रहा है साधु संतों में? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर देखा जाता है कि जो भी साधु संत हैं वो अखाड़ों का रुख करते हैं या फिर सन्यासी हो जाते हैं अपने परिवार को निजी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए, यदि इस तरह के कोई घटनाक्रम सामने आते हैं तो इसको लेकर आगे का जो आने वाला समय है, शायद उसमें अगर कोई ऐसा संत सामने आता है तो जरूर उसके खिलाफ यहाँ पर अखाड़ा परिषद के द्वारा कार्रवाई भी होगी, और यदि कोई इस तरह की कोई कंडीशन या प्रतिक्रिया सामने आती है तो अखाड़ों की तरफ से या संत समाज की ओर से इसका विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी इंतजार रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर का बड़ा फरमान जारी हो गया है साधु संतों के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साधु संतों को अब परिजनों से कोई नाता रखने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार ज्वालापुर के ही चर्चित मुस्लिम फंड के करोड़ों रुपए गबन के मामले में पुलिस ने आखिरकार अब्दुल रजाक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का पर्दाफाश किया है और सामने ये भी आया है कि मुस्लिम फंड में जमा धनराशि को अब्दुल रजाक और उसके साथी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर उससे अपने निजी हित लाभ अर्जित कर रहे थे। एसपी आपको बता दें कि सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि साल 2013 से मुस्लिम फंड में जमा कराई गई रकम को अपने साथियों नवीन उर्फ मुन्ना पुत्र जिन्हें हसन ग्राम सराय थाना ज्वालापुर हरिद्वार और मशरूर पुत्र इरशाद अली निवासी ग्राम सराय थाना ज्वालापुर हरिद्वार के सहयोग से ही ज्वालापुर के आसपास प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे खासा लाभ अर्जित कर रहे थे और इस दौरान ही अब्दुल रजाक को अपने उपरोक्त दोनों साथियों पर विश्वास हो गया और साथ ही नसीम उर्फ मुन्ना मशहूर, बता दें अब्दुल रजाक के ही पास मुस्लिम फंड में अच्छी खासी धनराशि जमा होने की बात पता लग गई और जिससे वो हमेशा मोटी रकम कमाने के लिए लालच पे रहता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गढ़ और हरिद्वार जिले के कांग्रेसी विधायक, भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हर की पौड़ी पर माँ गंगा का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा पूरे हरिद्वार जिले में घूमकर ही लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी और 2013 के नगर निगम चुनाव और 2000
माफ कीजिएगा 2023 के नगर निगम चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस द्वारा ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी पर हमला किया है और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि देश को लेकर कांग्रेस की जो चिंता है इसको देखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा क्योंकि आज देश की इकोनॉमी डाउन है और राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और गंगा जमुना तहजीब को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस इसको खत्म करने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रही है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है। देखिए, इसका उद्देश्य प्योर है और ये राहुल गांधी जी की जो चिंता है, कांग्रेस की जो चिंता देश को लेकर है, उसको लेकर ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली है और चुनाव में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन जा रही है, राष्ट्र की सीमाएं कमजोर हो रही हैं, गंगा जमुनी तहजीब को जो डेंट पहुंचा है, उसको जो नुकसान हुआ है, भारत में एकता की जो एक मिसाल दी जाती थी पूरे हर जाति धर्म के लोगों, उसमें जो टूट हुई है उसको ठीक करने की नीयत से यात्रा निकाली जा रही है और उद्देश्य यही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, जो उद्देश्य था, वो हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए यात्रा को निकाला जा रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके घर में टीवी नहीं है और ज्यादा उन्हें, तो उनके लिए इसमें चौपाले भी लगा जाएंगे और राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के जो पत्र हैं वो, और आदरणीय नवप्रभात जी के द्वारा जो एक आरोप पत्र बनाया गया है जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर राज्य के मुद्दे, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस, पटवारी पेपर लीक कांड में नई जो नाम है वो उजागर होते जा रहे हैं और मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने लक्सर के रहने वाले रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभय राम नाम के ही आरोपी टीचर पर दर्जन भर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने के लिए बनाए गए सेंटर ले जाने का आरोप लगा है और पुलिस को अभय राम के पास से 2 लाख रुपए कैश और कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट और चेक बरामद किया है। पेपर लीक कांड में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। पटवारी पेपर प्रकरण लीक में अभी तक की ये 12वीं गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभियुक्त अभय राम, ये एक रिटायर्ड टीचर हैं, पीतपुर लक्सर के रहने वाले हैं। कुछ समय पूर्व ये रिटायर्ड टीचर अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्त के संपर्क में आए, उस दौरान इनकी बातचीत हुई और एक पेपर लीक प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई और उनसे बच्चे इकट्ठे करने के लिए कहा गया। तो इसके क्रम में पूछताछ की गई, पूछताछ में इस चीज़ की पुष्टि हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी सपूर्दगी से 2 लाख रुपये कैश व बच्चों के मूल चेक बरामद हुए हैं। कितनी उनके द्वारा रखे गए थे? अभी तक टोटल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अन्य की भी संभावित है। रायका रायवाला का 7 दिवसीय NSS शिविर हनुमान चौक पर मौजूद प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन कई लोक संस्कृतियों का आधारित कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। आगामी 7 दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है और शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज रायवाला का 7 दिवसीय NSS शिविर जो है प्राथमिक विद्यालय हनुमान चौक से प्रारंभ हुआ था और शिविर का उद्घाटन प्रतीत नगर के ही ग्राम प्रधान अनिल कुमार, जिला पंचायत सदस्य दिव्या बैलवाल और विद्यालय के प्राचार्य विजय मल यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायवाला से चित्रवीर छेत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रवीर, जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि शिविर का शुभारंभ किया गया, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? जी, इसमें 50 से 60 स्वयं सेवी जो है इंटर कॉलेज रायवाला के विद्यार्थी हैं, ये लोग, इतने लोग शामिल है। जी चित्रवीर, इसमें प्रोग्राम जो ये रखा गया था, कैसे लोगों को जागरूक किया गया? इसमें पहले दिन कई लोक नृत्य और गीतों की भी प्रस्तुति की गई है। जी जी, इसमें विभिन्न भाषा भाषी लोक संस्कृतियों पर आधारित कार्यक्रम, नृत्य हुआ, एकल नृत्य हुआ, गायन हुआ, उसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें स्वच्छता से संबंधित और जो है उनके बच्चों के आचरण से संबंधित बातों पर जोर दिया गया। बच्चों को अनुशासित रहकर
अच्छे विचारों का आत्मसात कर स्वयंसेवी बनने का प्रेरणादायी विचार जो है दिए गए बच्चों को। जी जी त्रिवेद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। जोशीमठ नगरवासियों ने निकाली है, आपको बता दें कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई है और हजारों लोग इसमें उमड़े हैं। जन आंदोलन में आपदा प्रभावित व्यापारियों सहित नगर क्षेत्र के ही जनता का जन सैलाब उमड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है सड़कों पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रैली में जमकर एनटीपीसी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए हैं, गो बैक के नारे लगे हैं और भारत के खिलाफ भी ये आक्रोश देखने को मिला है। बता दें आपको, सुरक्षा को देखते हुए टीसीपी बाजार से ही एनटीपीसी टाउन में शिप पर सड़क पर पुलिस कड़ा पहरा देते हुए भी दिखाई दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।